हरिओम, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए। आज क्या है, कोरल ड्रॉ में हॉलोग्राम टेक्स्ट इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले अभी देखो इधर क्या है, कुछ मैटर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है। सो अभी मैं एलिप्स टूल लेता हूँ, लेके इसे ड्रैग किया मैंने। अभी इसका जो विड्थ है इसको 100 रखता हूँ और जो हाइट है इसको 50 रखा है मैंने। अभी इसको क्या है 125 कर लेता हूँ, विड्थ को क्या है 125 किया मैंने। अभी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये टू लाइंस में है। अभी इसको कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो ये क्या है, दोनों लाइन सेपरेट हो गया। अभी कंट्रोल के प्रेस करने से क्या होता है, ब्रेक होता है। अभी ये सिलेक्टेड है, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है इसको चेंज करता हूँ मैं। इधर क्या है, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट लिया मैंने और इसका साइज़ क्या है 24 पॉइंट रखा है। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको क्या है सिर्फ बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करके अभी इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको एक 14 कर लेता हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करो। आप सिलेक्ट करके टेक्स्ट में आके आपको क्या करना है, फिट टेक्स्ट टू पाथ करना है। सो ये क्या हो गया, अभी फिट टू पाथ हो गया। सो अभी इधर क्या है, इधर टेक्स्ट ओरिएंटेशंस करके है, इसमें आता हूँ। इसमें क्या है, इस इफेक्ट को लेता हूँ मैं, इसको क्लिक किया मैंने। अभी देखो इधर क्या है, टेक्स्ट में कुछ गैप आपको दिख रहा है। सो इसको कैरेक्टर गैप देता हूँ मैं। सो शेप टू लेता हूँ, लेके इसको आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अभी इस पॉइंट को क्या है, होल्ड करके इसे राइट साइड में ड्रैग करना है। सो देखो भी ड्रैग करने से जो गैप है वो इन बिटवीन टेक्स्ट का जो कैरेक्टर गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पिक टू लेके यहाँ पे ऐसे होल्ड करके इसे रोटेट करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस इधर ऊपर भी लेता हूँ मैं। सो अभी देखो इधर क्या है, माया ग्राफिक्स करके है, इसको इस तरफ ऐसे लेता हूँ। अभी समझो और थोड़ा कैरेक्टर गैप चाहिए तो फिर से शेप टू लेके ऐसे आप ड्रैग कर सकते हैं। सो ऐसे ड्रैग करने से ये क्या हो गया, गैप क्या है ठीक से आ गया। अभी अभी इसको क्या है, और थोड़ा ऐसे राइट साइड में ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। सो और जो गैप है इसको थोड़ा रिड्यूस करता हूँ मैं, जो गैप है इसको थोड़ा रिड्यूस किया मैंने। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इसको क्या है, और थोड़ा ऐसे राइट साइड में लेता हूँ। अभी इस सर्कल को एक बार क्लिक करो आप, तो अभी देखो ये सर्कल भी सिलेक्टेड है और टेक्स्ट भी सिलेक्टेड है। और एक बार इस लाइन को क्लिक करता हूँ तो सिर्फ सर्कल सिलेक्ट हुआ है। अभी अभी इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे की तरफ लेके माउस राइट क्लिक करता हूँ और एक एक सर्कल बन गया। अभी अभी क्या है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करो आप। सिलेक्ट करके टेक्स्ट में आता हूँ, फिर से फिर टेक्स्ट टू पाथ करना है। सो फिर से इसमें टेक्स्ट ओरिएंटेशन में आके आपको क्या है, इसी इफेक्ट को लेता हूँ मैं। लेके फिर से क्या है, अभी देखो कैरेक्टर के आप में थोड़ा इंक्रीज करना है मुझे। शेप टूल से इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने से देखो ये क्या है, जो कैरेक्टर गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको और थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, यानी थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ मैं कैरेक्टर गैप। सो इतना करने के बाद अभी फिर से इसको पिक टूल लेके इस टेक्स्ट को एक बार क्लिक करता हूँ, और एक बार क्लिक करना है तो सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट होता है। सो इसको वन स्टेप ऊपर लेता हूँ, लेके ऐसे राइट साइड ऐसे रोटेट करता हूँ। इधर क्या है, इसको क्या है कांटेक्ट करके है, उसको क्या है ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लेके आता हूँ मैं। सो इसको इस तरफ लेना है, ऐसे अंदर की तरफ लेता हूँ तो ये क्या है, एक स्टेप अभी ऐसे ऊपर है। इसमें क्या होता है, और भी इधर क्या है गैप थोड़ा है, तो इसको शेप टूल से आप इधर ड्रैग करके फिर से इसको आप ठीक कर सकते हैं। सो अभी देखो ये क्या है, ऐसे गैप आ गया। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन्स है इस लाइन को एक बार क्लिक करो आप, एलिप्स को। अभी दोनों सिलेक्टेड है, फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो सिर्फ लाइन सिलेक्टेड है। अभी इसको डिलीट करता हूँ। इसी तरह इस लाइन को भी एक बार क्लिक करो आप, तो दोनों सिलेक्ट होता है। और एक बार क्लिक करना है, डिलीट करता हूँ। अभी देखो इस टेक्स्ट को क्या है, ऊपर की तरफ लेना है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ लेता हूँ। सो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी इसको क्या है का शेड देता हूँ। इससे पहले आप क्या करो, इन दोनों को सिलेक्ट करके इधर एक और एक एक कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या है, जो ऊपर का लाइन है इसको एक शेड देता हूँ मैं, और इसको भी क्या है एक शेड देता हूँ। समझो अभी इसको ब्लैक ही रखता हूँ अभी के लिए। सो अभी ये क्या है, ऐसे ऊपर है। सो अभी इसको शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ तो ये नीचे आ गया। सो इसी तरह क्या है, इसमें आता हूँ अभी। अभी देखो इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलता हूँ। कंट्रोल जी बोलने से देखो ये ग्रुप हुआ है। अभी इसको क्या है 50% ग्रे देता हूँ मैं। ग्रे कलर देने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इंटरेक्टिव फिल टूल में आता हूँ, आके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप। ड्रैग करने के बाद इस पॉइंट को क्या है, फिर से एक 50% देता हूँ। अभी क्या है, वाइट कलर को ड्रैग करके इस लाइन के ऊपर इधर छोड़ता हूँ, तो देखो अभी एक ग्रेडिएशन आ गया। अभी अभी मुझे क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलता हूँ तो ये ग्रुप हुआ है। अभी इसको क्या करता हूँ, एक शेड देता हूँ, एक रेड शेड दिया मैंने।
सो अभी इन दोनों को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ, अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके ई और सी करो आप, तो ये सेंटर में आ गया। एक बार इसको डी सिलेक्ट करके जो ऊपर है इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ, ये नीचे की तरफ आ गया। अभी अभी देखो इसको पेज डाउन करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो ये अनग्रुप हो गया। अनग्रुप करने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसको क्या एक वाइट शेड देता हूँ मैं। वाइट शेड देने के बाद आपको क्या करना है, अभी इधर एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके ऐसे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके इसको आप क्या करो एक ब्लैक शेड देके शिफ्ट पेज डाउन करो आप, तो ये नीचे आ गया। अभी इधर क्या है, कुछ फॉन्ट्स को हमने इधर ग्रेडिएशन दिया था, तो अभी इस रेड पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके शेप टूल से इन सब पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करना है। अभी देखो ये हाफ पोर्शन ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसका फिल रिमूव करता हूँ। सो देखो अभी जो ग्रेडिएशन हमने दिया था वो दिख रहा है आपको। इसी तरह क्या है, इस लाइन को भी सिलेक्ट करके इसका भी क्या है ऐसे एक हाफ पोर्शन ऐसे सिलेक्ट करके इसका भी फिल रिमूव करता हूँ मैं। सो देखो भी ये क्या है, आपको एक होलोग्राम टेक्स्ट डिज़ाइन आपको दिख रहा है। अगर आप चाहे तो टोटल वाइट में भी आप रख सकते हैं। अभी देखो इसको सब सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो ये ग्रुप हुआ है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, छोटा करके और एक कॉपी इधर लेता हूँ, इसको क्या है और एक कॉपी लेके इसको क्या है टोटल वाइट रखता हूँ। आप चाहे तो इसको कुछ एंगल वगैरह दे के कोर पेज डिज़ाइन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये करते हो तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।